श्री शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज हुडको में यातायात जागरूकता, साइबर अपराध से बचने के उपाय तथा महिला सुरक्षा से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव उपस्थित हुए। श्री शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज हुडको में आयोजित कार्यशाला में 450 छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों से बचाव तथा कानून में महिलाओं को प्राप्त संरक्षण की जानकारी दी गई। साथ ही दुर्ग पुलिस द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन अभिव्यक्ति को सभी के मोबाइल में डाउनलोड कराया गया। कार्यशाला में उपस्थित मुख्य अतिथि दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उपस्थित लोगों को कहा कि सोशल साइट में दिए गए लिंक पर कभी भी विश्वास न करें, साथ ही अपनी निजी जानकारी फेसबुक पर कदापि साझा न करें। यातायात पुलिस के DSP गुरजीत सिंह ने उपस्थित लोगों को यातायात के नियमों की जानकारियां दी। शिल्पा शाहू उप पुलिस अधीक्षक ICU AW के द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी अपराधों से बचाव तथा कानून में प्राप्त महिलाओं के अधिकारों की जानकारियां दी। जब भी कोई पेमेंट करना है बड़े साइट पे करें, फोन पे है, पेटीएम है, जो बड़े बड़े हैं उनको यदि आप पे स्टोर से करोगे तो पहले ही मिल जाएगा नंबर ऑफ यूजर्स जो पेटीएम यूज कर रहे हैं, वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिलेगा। 1.5 करोड़ के फ्रॉड ऐप को कोई 1.5 करोड़ लोग डाउनलोड नहीं करेगा। खराब है, ब्रेक सही नहीं लग रहा है, हवा कम है, कुछ भी है तो आपके लिए परेशानी है, आपको इरिटेट करेगा, आप स्मूथ ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ी का सभी मीटर पैरामीटर जितने होते हैं, उसके जितने भी गेजेस होते हैं, ब्रेक, ये वो, उसके आप अपनी बात जो है, अपनी समस्याएं जो है आसपास के थाने में महिला डेस्क है, वहां जाके अपनी बात रख सकते हैं। ऐप भी आ गए हैं, ऐप में आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते और आपके साथ कोई समस्या आई। इस अवसर पर मुख्य रूप से ASP यातायात विश्वास चंद्राकर, दीपक शर्मा कोषाध्यक्ष, श्री गंगाजल एजुकेशन सोसाइटी प्राचार्य वीना राजपूत, सहायक उप निरीक्षक संगीता रक्षा टीम, आरक्षक जावेद, सुरेश चौबे साइबर सेल तथा आरक्षक तिलक साहू, मिथिलेश देवांगन सहित यातायात पुलिस का स्टाफ और शिक्षक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।